फ्रेंड्स में हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। अक्षय कुमार के ट्रेलर को वैसे काफी ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी का सामना करना पड़ा लाइक और डिसलाइक बटन ऑफ करने की वजह से, लेकिन ये ट्रेलर बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। 3 दिनों में इस ट्रेलर ने 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक अच्छी खासी खबर है। अक्षय ने भी कल अक्षय का भी एक स्टेटमेंट आया कि वो भी काफी नाराज है या नाखुश है, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि ये स्टूडियो वाले फॉक्सस्टार स्टूडियो या फिर डिज्नी हॉटस्टार वाले ऐसा करेंगे। सो ही इज ऑल्सो अनहैप्पी बिकॉज ये जो डिसीजन लिया गया है ये पूरी तरह से आई थिंक एक प्रोड्यूसर्स का डिसीजन है, अक्षय कुमार का नहीं है, ऐसी बातें सामने आ रही है। और यहाँ पे एक और बड़ी चीज आपको बता दूं व्यूज काउंट के बारे में, 12.97 मिलियन व्यूज है, यानी कि ऑलमोस्ट 13 मिलियन व्यूज मिले हैं इसको चैनल को डिज्नी पर। इसके अलावा फॉक्सटेल हिंदी पर मिलाकर जो व्यूज मिले हैं वो 37.29 मिलियन है, यानी दोनों को मिला के 50.26 मिलियन व्यूज मिले हैं, यानी कि 50 मिलियन, यानी कि 5 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। ये ट्रेलर धमाल मचा रहा है और अभी ये ट्रेलर जो ट्रेंड हो रहा है 4th नंबर पर। जी हाँ, पहले 1 नंबर पे था, 2 दिन तक 1 नंबर पे था, 3rd दिन 4th नंबर पर ट्रेंड हो रहा है, जो कोई बुरी बात नहीं है। तो कुल मिला के इस फिल्म के ट्रेलर का थोड़ा मजाक जरूर हुआ है, क्योंकि लाइक और डिसलाइक बटन डिसेबल था उस लिए। लेकिन कुल मिला के मैं आपको साफ कह सकता हूँ, जब ये फिल्म रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी और तब हेटर्स की पूरी तरह से बोलती बंद हो जाएगी। चलिए फिलहाल कितने दोस्तों, बाय बाय।